हम्मा गणिसा, आप सभी का स्वागत है उदयपुर सीरीज में। मेरा नाम किंजल है और हम इस चैनल पर बनाते हैं ट्रैवल और फूड वीडियोस। आज हमारा उदयपुर में पहला दिन है और हम हमारे दिन की शुरुआत कर रहे हैं सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करके। तो जो सिटी पैलेस है वो जगदीश मंदिर के बिल्कुल ही पास में है और सिटी पैलेस को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दो तरीके की टिकट मिलती है आपको। पहली जो है वो 300 रुपये की, जिसमें आप अंदर से भी पूरा सिटी पैलेस देख सकते हो, और दूसरी जो है वो है 30 रुपीज़ की टिकट, जिससे आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स को बाहर से ही देख सकते हो। तो हमने ऑफकोर्स जो टिकट ली है वो 300 रुपये वाली टिकट ली है। तो जिस गेट से हमने सिटी पैलेस के अंदर एंटर किया वो आपने देखा है कि कितना ग्रैंड है, और जितना इसका एंट्रेंस ग्रैंड है उतना ही ह्यूज ये फोर्ट भी है, आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। अभी फ़िलहाल हम इसके बाहर के कॉम्प्लेक्स में हैं। अगर आपने 30 रुपीज़ वाला टिकट लिया रहेगा तो आप इसे बाहर से इस कॉम्प्लेक्स से देख सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए कुछ शॉप्स है और एक कैफ़े भी है जहाँ पे आप कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हो, बट हमने ली है 300 रुपीज़ वाली टिकट। तो चलिए अंदर चल के इसे एक्सप्लोर करते हैं। गाइज, आई होप आपको ये इंट्रो सीक्वेंस अच्छा लगा, और मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि स्टार्टिंग के 15-20 सेकेंड्स में ही आपको पूरा जिस दे दूँ वीडियो का, और ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं आपका अटेंशन ग्रैब कर सकूँ। सो मुझे काफ़ी सारे DMs आते हैं अबाउट फिल्म मेकिंग और एडिटिंग, बट गाइज मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड सीखी है और अभी भी मैं काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते रहता हूँ। तो मैं मेरे फिल्म मेकिंग और एडिटिंग स्किल्स को अपडेट रखने के लिए यूज़ करता हूँ स्किल शेयर, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जिसके अंदर 1000+ क्लासेस है जो सिखाए जाते हैं इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट्स से। और गाइज, इसके अंदर सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं, इसके अंदर योगा, डांस, कुकिंग ऐसे कई सारे क्लासेस है, और इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है ये कम्प्लीटली एड फ्री है। मैंने स्किल शेयर में सबसे पहले क्लास लिया था ग्रैब योर ऑडियंस बाय JRI, और उसमें से कुछ टिप्स मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, जैसे कि शॉर्ट डिवीजन या फिर प्री प्लानिंग बिफोर शूटिंग सिनेमेटिक इंट्रोस। और करंटली जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो है थॉमस फ्रैंक का अबाउट मास्टरिंग प्रोडक्टिविटी, जिसमें मुझे टाइम मैनेजमेंट थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्टिव रहना है वो समझ रहा है। और इसके अंदर कुछ इंडियन क्रिएटर्स भी है, जैसे कि इंडोर गार्डनिंग बाय एकता चौधरी और हीलिंग योगा बाय दीप कुमार। गाइस, स्किल शेयर का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो less than 2000 rupees का है, और अगर आप इसको मंथली डिवाइड करते हो तो वो है less than 166 rupees, जो कि एक पिज्ज़ा के कॉस्ट से भी कम है, विच इज़ एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल। मतलब यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू एंटायर लाइब्रेरी ऑफ द क्लासेस। मेरे सभी व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज है, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है जिसके अंदर आप सभी को 1 month का फ्री ट्रायल मिलेगा, बट हाँ, ये सिर्फ 1000 व्यूअर्स के लिए जो ये लिंक पे क्लिक करेंगे। तो ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको ये कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यूज्ड डोर है ना वो? हाँ, मस्त है एकदम। और बाहर उसकी कड़ी भी लगाई थी वुडन की, जहाँ से हमने एंटर किया ना वहाँ पर। कितना वो भी बहुत बड़ा था, उसमें अपना 2 डोर बन जाएगा आराम से। आप लोगों को भीड़ दिख ही रही होगी, अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर लो तो अर्ली मॉर्निंग आइए, तो आपको उस समय पे थोड़ी कम भीड़ मिलेगी। फिलहाल मैं जहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ से ताज होटल का व्यू है पूरा। तो हमारा
सिटी पैलेस देख के हो चुका है हमें, लगभग 1.5 घंटा लगा देखने के लिए, तो आपको भी अराउंड उतना ही टाइम लगेगा या फिर थोड़ा उसे जल्दी देख के हो सकता है, क्योंकि हम बीच बीच में रुक के थोड़ा शूट भी कर रहे थे। तो अभी हम लोग तो सीधा अंदर गए विदाउट गाइड, पर अगर आपको पूरा डिटेल जानना रहेगा और क्या हर एक चीज का क्या इम्पोर्टेंस था, उन्होंने बहुत चीजें वो बता रहे थे, हम लोग के आजू बाजू जो गाइड थे वो लोग भी एक्सप्लेन कर रहे थे दूसरे ग्रुप्स को, तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप गाइड लेके जाइए। और फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगी गाइड लीजिए ही, क्योंकि काफी बड़ा पैलेस है, आप सिर्फ देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी क्या है यहाँ पे। हम लोग सेकंड टाइम आए तो हम लोग को थोड़ा बहुत पता है कि कहाँ पे क्या किसका क्या इम्पोर्टेंस, और अंदर भी कुछ चीजें थोड़ी सी रिकंस्ट्रक्ट की वो हम लोग को थोड़ी ओके लगी, वो इतने अच्छे से नहीं, मतलब पूरा फील जो है ना वो चला गया, बट जो ओरिजिनल थी, जैसे हम लोगों ने आपको मोती महल और दो तीन चीजें जो दिखाई, उसके बाद में एक जगह था शीश महल था, उसके बाद में एक जगह था जहाँ पे पेंटिंग अभी भी एग्जिस्ट करती प्रॉपर थी, वो भी बहुत अच्छे से हम लोग को देखने को मिली, और वो देख के सच में अच्छा लगता है। मेरा थर्ड टाइम है उदयपुर सिटी पैलेस में, तो मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ गई, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, मैं तब भी फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, तो हम लोगों ने जो मोर चौक है वहाँ पे सब फोटोज निकाले थे, तो सब मुझे याद आ रहा है। थोड़ा डिफरेंट था उस टाइम पे सिटी पैलेस, अब भी बहुत डिफरेंट है, अभी बहुत ज्यादा रेलिंग्स है क्योंकि टूरिज्म बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। और इसने मुझे बताया जब ये फर्स्ट टाइम फोर्थ स्टैंडर्ड में जो उदयपुर आए थे, तो उनका 10 दिन का ट्रिप 8,000 में उन्होंने किया था इसके पप्पा ने, और पूरा मैनेज करके, तो उस टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता भी था, बट फिर भी बहुत कम कॉस्ट में उन्होंने 10 दिन घूमे उदयपुर, जो कि मैं शॉक हो गया था जब ये मुझे बता रही थी अंदर पैलेस के अंदर। पापा का कमाल है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे कॉफी शॉप में जो एकदम एग्जिट के सामने ही है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉफी पी रहे हैं। एक टिप, अगर आपको नॉर्मल पानी पीना है तो अंदर एक कूलर है वहाँ पे पानी पी सकते हो, या फिर बाहर से ही लेके आओ पानी का बोतल जो 20 रुपीज़ में आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लगा था, तो हम लोगों ने ये बोतल बोला जो 100 रुपीज़ का है, और वो बहुत महंगा, और यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं ऐसा उन्होंने बोला। दो चीज़ें बतानी रह गई हमारी, उसमें से एक, यहाँ पे पैलेस में स्टेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो जो सीनियर सिटीजन है या फिर जिसको कुछ नी का प्रॉब्लम है वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, जो सिटी पैलेस लोगों के लिए सिर्फ ओपन है, उसके बाजू में ही अभी भी यहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है, और हम लोग आ रहे थे तो रॉयल फैमिली गई भी, उनको सब लोग सैल्यूट मार रहे थे, ऐसे सैल्यूट कर रहे थे। तो अभी हम बोट राइड लेंगे लेक पिचोला पर और सनसेट देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम विजिट करेंगे जग मंदिर पैलेस, जो कि पानी के यानी कि लेक के बीचों बीच है। अभी फिलहाल हम 60 रुपीज़ का यानी कि 30 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लेके अंदर आए हैं, आगे चलकर हमें बोट राइड के लिए भी फीस पे करनी है, और वो है 800 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम आगे चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अभी मेरे सामने फिलहाल फतेह प्रकाश पैलेस का रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे उसका पार्किंग भी है। फतेह प्रकाश पैलेस यानी ताज होटल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है उदयपुर में, और वो भी लेक के बीचों बीच है, तो अगर आप वहाँ पर रुकने वाले हो तो आपको कार जो है यहाँ पर पार्क करनी पड़ेगी, और ताज के लिए आपको बोट से जाना पड़ेगा। अभी हम लोग जग मंदिर में है, यहाँ पे हाफ एन आवर का हॉल्ट है, हम लोगों ने 800 रुपीज़ पे करके पर पर्सन बोट राइड लिया है। हम लोग जहाँ से निकले वहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए हम लोग को 20 to 25 मिनट्स गया, और यहाँ पे भी 30 मिनट्स का हॉल्ट है, और फिर से जाने के लिए 30 मिनट्स, तो रफली 1-1.5 आवर का राइड है। ये डेट के लिए बहुत अच्छा है एक्चुअली, अगर आप डेट प्लान कर रहे हो ना तो ये बहुत अच्छा स्पॉट है। और दूसरी चीज़ ये बतानी है आपको कि 800 रुपीज़ पर पर्सन जो बोट राइड है वो सनसेट बोट राइड का है। अगर आप आफ्टरनून में, हाँ, अगर आप आफ्टरनून में 3 बजे के पहले बोट राइड लेते हो ना तो उसका चार्जेस कम है। बोट राइड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास कम टाइम है, यानी कि अगर आप 2 दिन के लिए सिर्फ समझो उदयपुर आए हो ना, तो बोट राइड में ऑलमोस्ट आपको सारे जो भी टूरिस्टी मेन स्पॉट है उदयपुर वो देखने मिल जाते हैं। हाँ, सारे घाट भी देखने मिल जाते हैं, लग्जरी होटल्स भी। और इस बोट राइड में आपको
सिटी पैलेस भी पूरा देखने मिलता है और उससे समझता है कि कितना ह्यूज पैलेस है। एक्चुअली जब हमने देखा जाके अंदर तो इतना नहीं समझ में आता कितना बड़ा ग्रैंड है ये। जब पीछे के साइड आए तब समझा कि वो बहुत ह्यूज है। तो यहाँ पे बैठ के आप सामने से पूरा लेक का व्यू देख सकते हो और अभी सनसेट हुआ है तो बहुत अच्छा स्काई है। तो इसका क्विकली मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। तो जो शाहजहाँ है उन्होंने जब भी रेबेल किया था तब भी उनको महाराणा करण सिंह ने यहाँ पे आश्रय दिया था, मतलब यहाँ पे उनको रखा था। तब भी उसका गुल महल या ऐसा कुछ छोटा सा नाम था, जहाँ जो आपको मैंने अभी जो डोम एक स्ट्रक्चर दिखाया वो बेसिकली यहाँ पे गुल महल है। फिर धीरे धीरे इसे उन्होंने डेवलप किया एज ए उनका समर पैलेस। हाँ, समर पैलेस के हिसाब से उन्होंने थोड़ा डेवलप किया। जो महाराणा जगत सिंह है उन्होंने इस आइलैंड को पूरा कम्प्लीट किया, इसलिए इसका जो नाम है आइलैंड का जग मंदिर है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे ऐसा कुछ टाइम स्पेंड करने ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप डिनर करते रहोगे तो ही आपको अंदर जाके जो प्रॉपर लेक साइड वाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे बैठ के खाने मिलेगा, बाकी बाहर तो ठीक है, मतलब इतना कुछ ग्रेट नहीं है। ग्रेट नहीं, और मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 800 रुपीज बहुत ओवर प्राइस्ड है। हाँ, ओवर प्राइस्ड इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि वो बोट राइड है सिंपल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई 800 पे कर रहा है तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई तो गाइड होना चाहिए बोट में, जो एक्सप्लेन मतलब जो बताए कि कौन सा स्पॉट क्या है। 200-300 ठीक है, ठीक है, पर पर्सन 800 बहुत ज़्यादा है। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो ड्रॉप पॉइंट है वो अलग है और जो निकलने का पॉइंट है वो भी अलग है। तो जो ड्रॉप पॉइंट, तो ड्रॉप पॉइंट वहाँ पे है और यहाँ से निकलते हैं। तो अभी यहाँ पे सब लोग रुके हुए, एक बोट है वहाँ पे बट वो फुल है, तो जो नेक्स्ट बोट आएगी उसमें हम लोग बैठ के जाएंगे। और किंजल पूरी थक चुकी है, मैं भी पूरा थक गया हूँ क्योंकि ये एक ही दिन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चल लिया। 9 किलोमीटर चले हम लोग आज, 9.3 किलोमीटर और 13,000 कुछ स्टेप्स हुए। बाप रे, बहुत। तो अब भी थोड़ा टाइटनेस फील हो रहा है, तो जैसे ही बोट आएगा तो हम लोग अभी निकलेंगे। आज का दिन हम लोग का गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट हम उतना ज़्यादा थक भी गए। और सबसे ज़्यादा जो थकान है हमें सिटी पैलेस में लगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना है। जैसे इन्होंने आपको बताया ही कि हम लोग ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आज चले, वो सारा आधे से ज़्यादा सिटी पैलेस में ही था। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा, अगर किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डरर्स।